और एक आनंद फिर से पूरा होता हुआ और ये कर्मों की मदद से स्कूल जा पहुंचा है। स्वागत है आपका एक बार फिर से देशान क्रिकेटर सलेम के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर। तो आज का जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, आपने फर्स्ट इनिंग में देखा ही होगा 91 रनों का लक्ष्य है और इस बार की गेंद को और साइड में लपेटना चाहते थे। गेंद बल्ले पे आई नहीं, रन बनाने का मौका नहीं। जो मैंने सवाल किया था उसका एक जवाब आया है। सन 2007 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जवाला चौहान सिरसिया वार्ड नंबर 6। जवाला जी, आपने शायद मेरा सवाल ही नहीं समझा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया विस न्यूजीलैंड नाम है अजीत, आपका एक जवाब सही है एक जवाब गलत है। अंदर आते हुए गेंद को फिर से डिफेंस किया, रन बनाने का मौका नहीं। 2007 आपका गलत है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सही है। एक और जवाब मेरे पास आया है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड 5 अगस्त 2004 को, आपका एक जवाब गलत है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड नहीं है, लिखने वाले हैं सकुआ परसौनी के ओम जी। एक और जवाब आया है मेरे पास, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 रन किसी विकेट के नुकसान के, 2007 इंडिया साउथ अफ्रीका, ये भी जवाब गलत है। 2006 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एड्रेस है जय चौहान विद्वासिनी हसवा, आपका भी जवाब गलत है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। दूसरा होगा पहली गेंद और बेटा पाप यॉर्कर लैंड की गेंद पर लड़ाया, रन बनाने का मौका नहीं है। बॉलर इस समय 93 नंबर की दसवीं में आए हैं, थोड़ा नाम जानना चाहेंगे ओपनर जी। बॉलर का नाम बता दीजिए, आज बल्लेबाजी में गोल्डन डक पर आउट हुए थे, लेकिन गेंदबाजी में क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, क्या बल्लेबाजी की नाकामी को क्या गेंदबाजी से भरपाई कर पाएंगे अपनी। चलिए इस बार निर्देश के लिए के बाहर चाटी हुई गेंदों को अपने आंखों से देखा, भाला छाने दिया, बल्लेबाजी निर्देश में खेलने का कोई इरादा नहीं जताया, रन बनाने का मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी काटिया बल्लेबाजी, कश्मकश का ये मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है, झंडा टाइगर मुकाबला है। पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है पोखरिया और सकुआ परसौनी के बीच में। और इस बार इसे बल्ला डाया, जब तक के मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड करते हैं। शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आपको भी पता है कि यह सेमीफाइनल मुकाबला पहला यहां का इस टूर्नामेंट का और मात्र 91 रनों का लक्ष्य है, तो क्या रोमांचक होगा। जो भाई लोग जुड़े थे उन सभी को शेयर कर दीजिए, मैच एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। रन अपने साथ फिर से अगली गेंद सामने करेंगे ईशान, शेयर फॉलो करते रहिए। इस बार आगे निकल कर खेलना चाहते थे, पैरों पर गेंद टकराने के बाद गली के दिशा में आने वाले अगले टूर्नामेंट के बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट लाइव चैनल के द्वारा दिखाते हैं। आज से इंडिया में बहुत बड़ा एक चैनल, बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है बलरामपुर, वहाँ आप बहुत बड़े बड़े टीमें दिखाई देने करेंगे दर्शकों के भीड़ को मारती हुई। बढ़िया फील्डिंग, दो रन लेकिन दोनों बल्लेबाज थोड़ा पीला थी, दो रन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है पोखरिया की टीम का 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। दर्शक थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर है तो जल्दी जाइए या तो किनारे से चले जाइए, किसी अगली गेंद इस शॉट के लिए। इस बार अंदर आते हुए गेंद को सिर्फ कलाइयों के सहारे मोड़ा है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, जब तक फील्ड की जाती थोड़ो की जाती रन बनाने का मौका नहीं है। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के पोखरिया का स्कोर है 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। टॉस जीता था, जो दर्शक देर से जुड़े हैं चाहे वो देशवाल क्रिकेटर सैयदपुर सर्च किए हुए हैं या फिर अपने मोबाइल फेसबुक पर या यूट्यूब पर या यहाँ पर देर से पहुंचे हैं, मैं तमाम बता दूं कि आज जो टॉस हुआ था 1 बजे करीब सकुआ परसौनी का टॉस जीता और उसके बाद पहले फील्डिंग
करने की न्योता दी तो हजार टीम को अपने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसी बीच अगली गेंद रन बनाने का मौका नहीं और पोखरिया के कप्तान ने जब टॉस शेयर करते रहे व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर दीजिए क्योंकि कड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल पहला इस बार टूर्नामेंट के लिए पैरों पर खिलाड़ियों के सारे मोड़ दिया गेंद चली गई टीम के विकेट के क्षेत्र में जब तक आकाश के द्वारा गेंद फील्ड की जाती थ्रो की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन आसानी के साथ स्कोर क्या पहुंच रहा है पोखरिया की टीम का 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। इस बार फिर से बल्ला लाया गया थोड़ी देर हवा में भी विकेट के दिशा में खिलाड़ी के पांव से दो रन बनाने का मौका नहीं इरशाद सूझबूझ कर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इरशाद जिस शैली के बल्लेबाज है आज लगता है कि इनको मैसेज दिया है कि पूरे आराम से एक भाग के बल्लेबाजी करनी है और इस बार फिर से लपेटना चाहते थे गेंद आकर के बोली से टकराई फिर से रन बनाने का मौका नहीं बढ़िया गेंदबाजी कप्तान युवराज के द्वारा अच्छी गेंदबाजी करते हुए 73 नंबर की जर्सी में आज कप्तानी भरी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करनी होगी विकेट चटकाने होंगे पोखरिया को इस समय बड़े इत्मीनान के साथ अगर खेलेंगे तो ये स्कोर चेज हो जाएगा। बहुत अच्छे इस बार मिलेगा का इशारा आता हुआ लेग का उसे लेकर गई है तो लेग बाई का इशारा है इसलिए रन नहीं मिलेगा और सब वापस होने को कोई नुकसान भी नहीं होगा। पाली गई है तीसरा ओवर इस समय चल रहा है स्कोर है पोखरिया की टीम का 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस बार उछलते हुए गेंद को ऑन साइड में धकेला शॉट इन विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है रन बनाने का मौका नहीं ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पोखरिया का टीम का 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। जी हाँ अगर कैच मिस नहीं होता कल इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा बड़ा मुकाबला होगा और परसों यानी संडे को होगा सुपर संडे और मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का 2080 के 5वें संस्करण का फाइनल महा मुकाबला ग्रैंड फिनाले देखना सरना मत भूलिएगा और अगर नहीं पहुंचिएगा तो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर को सर्च करना भी मत भूलिएगा। पर इस गेंद को फिर से खेला अधूरे मन से जगह पे खड़े खड़े ऑन साइड में स्वयं गेंदबाज ने आकर गेंद को फील किया रन बनाने का कोई मौका नहीं 93 नंबर की जर्सी में इस रहे किसी भी चली गए जी नहीं अब ताब लगती नहीं है और इस बार इस गेंद को उछाल लिया है पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद चली जाएगी टर्मेंसी बारी का गेंदा हाँ 4 रनों के लिए पहला चौका पुगरिया के लिए नितेश के बल्ले से और 4 रनों की मदद से स्कोर पुगरिया के जा पहुंचा है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। दर्शक इस समय चौका हो कि छक्का हो हर बाउंड्री में मजा है इसीलिए चली गई इस बार खोल कर निकाला मिड ऑफ की दिशा में रन बनाने का मौका नहीं है हर बाउंड्री में मजा है चौका हो कि छक्का हो 6 रन रहा तो लेग बाई के रूप में 4 रन आया है 10 हुआ है एक और चौका लगा है इससे हर के कैंप ग्राउंड पर नजर आ रहा है दर्शकों का हुजूम दर्शकों को भीड़ दर्शकों का इस बार पार्टी हुई गेंद लॉक कर दिया वाइट इस्लामाबाद के ये खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से नितेश के बल्ले से इस दूसरी पारी का पहला छक्का निकलता हुआ और इन 6 रनों की मदद से स्कोर छलांग लगाया है पोखरिया का जा पहुंचा है 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
अभय के इस ओवर को थोड़ा सा टारगेट करते हुए इसका मतलब भाई भाई का रन और रन बटोरते हुए तेज गति से नितेश कर ली गए। इस बार स्वयं का दिया है गेंद चली गई है फाइनल के बाहर सीमा पार इनटू द फाइनल से और चौका नितेश के बल्ले से। इस बार थोड़ी सी स्वीप किया और गेंद अंदर आती हुई सीमा रेखा के बाहर स्कोर पोखरिया का 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के चौथे ओवर की प्रगति में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नितेश अच्छी बल्लेबाजी लगातार तमाम मुकाबले में बढ़िया शुरुआत देने में कामयाबी। बैठते हुए तशा दिया है एम्पायर ताराचंद भारी भरकम शरीर के मालिक है ताराचंद वो कर रहे हैं सीमा रेखा के तरफ जा रहे हैं क्या होगा 6 रन छक्का होगा और घुटना पे तमाशा देख बता दिया है नितेश ने अपने बल्ले के जौहर को। यहाँ पर शॉट लगाना एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाना ये कोई गली मोहल्ले की बात नहीं है ये दर्शाता है बल्लेबाज नितेश की कदर साथी को ये इनके मर्तबे को ये इनके रुतबे को दिखाता है कि कितने गजब के शैली के बल्लेबाज है ये। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन पिछला ओवर जो गया था हमारे स्कोरर राजकुमार गुप्ता बता रहे हैं 20 रनों का पहला ओवर। और इस बार के बाहर गेंद लकिया कवर की दिशा में डाला होने का खतरा हो सकता था संभवतः बचे हैं बाल बाल थोड़ी सी लचर फील्डिंग और एक रन आसानी के साथ स्कोर 21 रन। नितेश ने पिछले ओवर में 2 छक्के 1 चौके की मदद से गेंदबाजी करने के लिए गए हैं फिर से उपेंद्र राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज नितेश। पिछला ओवर जो मांगा गया था अभय का 20 रन खर्च किए थे स्कोर है पुखरिया का 21 रन बगैर किसी विकेट के 9 रन के 27 रन। इस बार इस गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट की दिशा में पीछे आकाश दूसरे प्रयास में जा रहे हैं सीमा रेखा के पास जब तक फील्ड करेंगे एक रन पूरा कर रहे हैं दूसरे के लिए पलट पड़े हैं और 2 रन आसानी के साथ और इन 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है तो पलिया के टीम का 29 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पोखरिया के लिए पूरी तरीके से इस मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत कर लिया है। उपेंद्र की अगली गेंद पर घुटनों के बल बैठे हुए जोरदार प्रहार करने का प्रयास पल्ले से टकराने के बाद नजदीक में वहीं पर लुढ़की गेंद रन बनाने का मौका नहीं अच्छी गेंदबाजी इस बार उपेंद्र के द्वारा सतुआ पासवनी को यहां पर कुछ मैजिक करना होगा कुछ चमत्कार करना होगा अगर इस मुकाबले में वापसी करना चाहती है। अंदर की गेंद खोल करने वाला बढ़िया फील्डिंग मिड ऑफ की दिशा में कप्तान युवराज के द्वारा बहुत अच्छी फील्डिंग निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 4 रन बहुमूल्य बचाए हैं। थोड़ी सी मिनी सोनी तो गेंद सीमा रेखा के पार होगी अच्छी फील्डिंग का नमूना और इस बार गेंद छिटक गई है और इस समय नितेश यादव एम्पायर इकरामुल है या करमुल्ला है अकरम है इनसे नो बॉल की मांग तो कर रहे थे लेकिन एम्पायर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी एक बॉल देने में। इन 4 रनों की मदद से पोखरिया का स्कोर काफी तेज गति से उफान मारता हुआ 33 रन और इस बार खिलाड़ी के सर के ऊपर से के बाहर सीमा रेखा के 4 रनों के लिए एक और चौका नितेश इस समय चौकों में डील कर रहे हैं विपक्षी टीम के सपोर्टरों को अपने दिलकश नजारा शॉट से चौंका रहे हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी नितेश के द्वारा पोखरिया का स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
ये सवाल नहीं है, नितेश के तरफ से जवाब है। और नितेश कह रहे हैं कि भैया सेरा क्रिकेट ग्राउंड के हम दो नवाब हैं। इस बार इस गेंद को स्वागत किया है, चौंकाया है उषार ने अपनी पारी के पहले चौके से। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत बढ़िया सुखद स्थिति में पुकारिया। अगली गेंद इस बार घुटनों के बैठ, घुटनों के बल बैठते हुए फिर से बड़ा हिट लगाने का असफल प्रयास। के बल्ले में मुलाकात नहीं, इस बार इरशाद और पुखरिया के लिए रनों की कोई बात नहीं। अच्छी गेंदबाजी युवराज के द्वारा, 41 रन स्कोर है, 90 रनों का टारगेट है निर्धारित 20 ओवर में। इरशाद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार अंदर आते हुए गेंद को फिर से बल्ले के बीचों बीच देते हुए सीधे बल्ले से खेला, बल्ले की दिशा में स्वयं गेंदबाज ने अपने दाहिने साइड में बाएं साइड में गेंद को फीड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी, विकेट निकालने होंगे, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला एक तरफा पुखरिया अपनी झोली में डाल लेगा। इस बार बाकी हुई गेंद का किया है फिर से कवर के करा देते हैं, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे तेजी के साथ, फुर्ती के साथ, आंखों में इशारा करते मानो एक रन चुरा लिया है नितेश और इरशाद की ये सलामी जोड़ी ने। और एक रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है तो कलिया के टीम का 42 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस बार फिर से अंदर आदमी नीचे आदमी गेंद को खेला है, बिल विकेट की दिशा में पीछे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन आसानी के साथ स्कोर जा पहुंचा है एक रनों की मदद से पुखरिया के 43 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। क्या आज 10 विकेटों की जीत हासिल करेंगे पुखरिया की टीम, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। और चार ओवर के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद पुखरिया का स्कोर है 47 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। आज अपनी बल्लेबाजी से थाम रहे हैं इस समय दोनों ही बल्लेबाज, और नितेश एक सीनियर खिलाड़ी है, बहुत दिनों से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ इन्होंने कमाया है, और एक सीनियर होने के नाते इरशाद जो युवा है, आक्रामक बल्लेबाज है, लगातार उनको अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और एक अच्छे चालाक चतुर बल्लेबाज की परिचय दे रहे हैं नितेश अपने इस साझेदारी में। बहुत बढ़िया साझेदारी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दोनों छोड़ से। इस बार पार्टी हुई गई को हवाई यात्रे पर भेज दिया है, गेंद चली जाएगी बगैर किसी रोक टोक के, टिप्स पासी मारी का के बाहर 6 रनों के लिए, और स्कोर जा पहुंचा है 8 शतक के ऊपर। पुखरिया का 53 रन, जोरदार ताली इस 8 शतक या पारी के लिए, 53 रन पुखरिया का स्कोर है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बॉलर इस समय आए हैं एक नंबर की जर्सी में, दीपेंद्र गेंदबाजों के चेहरे बदल रहे हैं, उनके रंग रूप बदल रहे हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का जो शैली है, अंदाज है, वो नहीं बदल रहा है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। इस बार की हुई गेंद की चार शॉट के धारा में नीचे है खिलाड़ी के क्षेत्र में पकड़ेंगे कैच, और इसके साथ ही पहला झटका नितेश के रूप में पुखरिया को लग गया है, और एक नंबर की जर्सी में दिला दी है इन्होंने समझा अपने टीम को। पहला झटका पुखरिया को नितेश के रूप में लगा है 53 के स्कोर पर, और 40 रन बनाकर 20 गेंदों में 40 रन, एक बार जोरदार ताली नितेश की आतिशी बल्लेबाजी के लिए। 20 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ लाजवाब विपक्षी टीम से दूर ले गई है इनकी बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को। 53 के स्कोर पर अब आ गए हैं पुखरिया के वन मैन आर्मी, रीढ़ की हड्डी कही जाती है बल्लेबाजी ऑर्डर में, नंबर 3 का विकास दास। पर उछली हुई गेंद थी वहां पर, खिलाड़ी
पहुंच सकते हैं गेंद, उनको समझ में आई नहीं कि कहां चली गई, लेकिन जब देखे दूसरे प्रयास में गेंद को फिर करते थोड़ो करते एक रन आसानी के साथ खाता खोलता हुआ विकास दास का स्वयं जा पहुंचे हैं रन स्ट्राइक पर, जबकि अपने टीम को पहुंचा दिया है चौवा रन। नितेश की बात की जाए तो लगातार बाहुबली का यहां मैच चल रहा है, पारी खेलते हुए आए हैं, टूर्नामेंट नेपाल में हो रहा है इस बार, पूरी तरीके से छाया गेंद बल्ले में संपर्क नहीं इस बार, गति से रफ्तार से बल्लेबाजी शायद को किया गिरफ्तार, रन बनाने का कोई मौका नहीं, अच्छी गेंद के साथ इसे तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी तरीके से शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत बड़ा कार्य सर अंजाम देना होगा सिर्फ के गेंदबाजों को इस मुकाबले में। इस बार बल्लेबाजी करके वापस पवेलियन लौटे थे पिछले ओवर में। इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कल शनिवार को खेला जाएगा, बड़ा मुकाबला फाइनल मुकाबला महामुकाबला इस टूर्नामेंट का संडे को इतवार के दिन खेला जाएगा। गेंदबाजी में इस समय अच्छी गेंद ऑफ एंड जंपर उपेंद्र की एक रन आसानी के साथ शॉर्ट हिट से खेल कर रन पूरा कर देंगे। और अगर दर्शकों को बता दो तो माफ कीजिएगा, अभी मुझे बताया गया कि सोमवार के दिन फाइनल होगा। इस बार अंदर की गेंद कौन कर निकाला, ये देखिए ताराचंद जब चौके का इशारा करते हैं तो दर्शकों के दिलों को बोल लेते हैं, जिस तरीके से इनकी जो उंगली है पंजे की जो उंगली है जिस तरीके से वो बिजली कड़कती है चमकती है उस तरीके से ये ताराचंद की उंगली जो है चौके का इशारा करते हुए चमकती है ठमकती है ठमकती है और दर्शकों के दिल को मोह लेती है। बहुत बढ़िया, ये शॉट है या क्या है, कैच डिफेंस मार्कर ने पकड़ा है कैच और इस शॉट को जाना होगा पवेलियन, दूसरा झटका पुगलिया को लग गया है और उपेंद्र ने अपने टीम को एक सफलता दिलाई है, पुगलिया को 58 के स्कोर पर लगा है ये दूसरा झटका इस शॉट के रूप में। और मैं दर्शकों को बता दूं कि पंजाबी ढोल ताशा पार्टी एवं भांगड़ा ढोल पार्टी अगर आप चाहते हैं शादी विवाह कितना भीड़ है आज के ग्राउंड में चारों तरफ कीजिए मिश्री मेहरा जी से पोखरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 6 सिरसिया में टोल सिरसिया में जाइए और यह मोबाइल नंबर 98162 47 81 5554 पर संपर्क कीजिए। इस बार अच्छी गेंद अंदर आ जाएगी तो वही पर दबाया, अब नए बल्लेबाज का इस समय आगमन हो गया है और संभवतः ये मनीष 2 है, जी हाँ मनीष 2 इस समय गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, कप्तान का अच्छा फैसला किसी भी चली गेंद इस बार हल्के बल्ले से खेलते रन बटोर लगे, ये मैं कप्तान का इसलिए अच्छा फैसला कहूंगा क्योंकि पुखरिया बहुत जीत के नजदीक है और अभी काफी ओवर पड़े हैं तो ये जो मनीष क्यों है इनके बल्ले से अभी तक इस टूर्नामेंट में रन नहीं आए हैं तो अच्छा है कि आज इनको थोड़ा सा समय मिल जाए देखभाल कर कुछ रन बनाने का ताकि फाइनल में इनकी बल्लेबाजी काम आ सके। इस बार का किया रन बनाने का मौका नहीं है और मनीष को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो मौका मिला है पूरी तरीके से इस समय को, क्योंकि आज नेट रनने का रहा कोई सवाल नहीं है, आज थोड़ी गेंदों को खेले थोड़ा सा नजरे जमाए थोड़े रन को ढूंढ ले ताकि जो यहाँ रन बनाएंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल मुकाबले में नजर आएंगे।
क्योंकि एक बल्लेबाज के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है कि उनके पल्ले से रन निकलने लग जाए, पल्ले के बीचों बीच गेंद आने टकरानी शुरू हो जाए, देखते हैं कि कितने सफल हो पाते हैं। फिर से गेंदबाज दीपेंद्र, अच्छी गेंद गई थी, पूरी तरीके से गेंद के पीछे आते हुए गेंद को काट दिया, गली के दिशा में खिलाड़ी है, रन बनाने का मौका नहीं, बोखंजा का स्कोर है 9वें ओवर की प्रगति में 59 रन, दो विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया हल्के बल्ले से मैदान की दिशा में खेलते रन के लिए और बने, स्कोर जहां पहुंचे 60 रन। तो आप लोग जब आते हैं तो अजय अंडा पसल, सत्यम भाजा पसल, विशाल चौरसिया भाजा पसल और सामने पकौड़ी वाले राजा हिंदुस्तानी पानीपुरी वाले, इन सबों का ख्याल कीजिएगा। लेकिन बेचारे जो तिरछी निगाहों से देख रहे होंगे बादाम वाले, कोई बात नहीं, आपका भी इनके इस बार गेंद तो लॉक कर दिया, गेंद चली गई है, उत्तरी टोला में संपर्क कर लीजिएगा। इस बार एक और गेंद हवा में, नीचे है खिलाड़ी पकड़ेंगे, चार गेंदों में 7 रन बनाकर आउट होकर के दीपेंद्र की गेंदों पर वापस पवेलियन में जाते हुए। वही पंजाबी ढोल पासा पार्टी एवं भांगड़ा ढोल पार्टी स्थान को हरियाणा नगर पालिका 6 टोल सिरसिया, शादी विवाह किसी भी शुभ अवसर पर आप संपर्क कर सकते हैं मिश्री मेहरा जी से, जिनका मोबाइल नंबर है 98-7604-97-46-52-54। दर्शक ये इसलिए प्रचार हो रहा है क्योंकि मिश्रा मिश्री मेहरा जी ने 100 रुपए का इनाम भी मेरे लिए भेजे हैं, ये इनके 100 रुपया ही बोल रहा है, मैं तो बहाना हूँ, असल जो इनका 100 रुपए का नोट आया है वो बोल रहा है, वो प्रचार कर रहा है। इससे अगली गेंद को मनीष ने अटपटे अंदाज में खेला, स्क्वायर लेके फायर के बगल से, जब तक एक पाए विकेट कीपर गेंद पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गेंद छिटक रही है मानो ये गेंद नहीं है, ये मैच भी फिसल रहा है, और ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो भी छिटक रही है, फिसल रही है, सोमवार के लिए खोला जाएगा फाइनल मुकाबला। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पैड और पैड को एक साथ ला देगी, आउटसाइड में लगेला रन बनाने का मौका नहीं है। ओवर की समाप्ति, एक और 9 ओवर की समाप्ति पर पुखरिया का स्कोर है 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 90 रनों का टारगेट है इस मुकाबले को जीत कर फाइनल में पहुंचने के लिए। अच्छी गेंद, बॉलर आज ने युवराज कप्तान, स्कोर है 67 रन, 90 रनों का टारगेट है पोखरिया के सामने। लेकिन पेड़ से जा टकराई है, 1 रनों का संतुष्ट होना पड़ेगा सगुआ पसौली के 3 रन बचते हुए। बहुत बढ़िया भाई राज, और फिर तब ये बाहर जाने दिया, रन बनाने का मौका नहीं है। युवराज सोमवार के दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अंदर की गेंद फोर्थ करने का है, एक ऑफ साइड लेकिन बॉलर से गेंद छूट की, मैदान की दिशा में फील्ड की जाएगी,
लेकिन एक रन आसानी के साथ और इसको ऊर्जा पहुंचा इन एक रनों की मदद से पुखरिया के टीम का 69 रन। 21 रनों की आवश्यकता है, 21 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए पुखरिया को। भैया ये मनीष है, इन्होंने पिछले मुकाबले में अपने बल्ले की कलाई दिखा चुकी है और आज उस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये टक्कर दे रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण की। दूर से खींचा हुआ शॉट था, इसी तरीके से गेंद लंबाउट की दिशा में जब तक ये पहुंचती है एक रन आसानी के साथ और इन्हें स्कोर एक रनों की मदद से पुखरिया का जा पहुंचा है 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 90 रनों का टारगेट है, जीत के बिल्कुल तहलीज पर दस्तक दे दी है, दरवाजे लगभग खुल चुके हैं लेकिन अनुमति नहीं है अभी पुखरिया के टीम को और उनके समर्थकों को कि आप अंदर जाकर के और जश्न मनाएं। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, कब जब पुखरिया 90 के टारगेट को छू लेगी तब जाकर के आपको अनुमति मिलेगी डांस करने का, खुशी मनाने का, झूमने का। रितेश जिन्होंने 20 गेंदों में 40 रन बनाए, दूसरे आउट होने वाले बच्चे बल्लेबाज इरशाद। चलिए एक और झटका, मनीष टू को साफ क्लीन बॉल कर दिया है प्रतिबंधर ने और चौथा झटका पुखरिया को दे दिया है। क्या ये मैच में कोई ट्विस्ट बाकी है, क्या देखते ही ये मैच करवट बदलेगा, क्या पासा बदलेगा? जी हां, अपने धुन का पक्का कछुए की तरह खरगोश के सामने रेस में कछुआ जीत गया था और खरगोश मानो किसी झाड़ी बजा कर सो गया था इस घमंड में कि मैं तो फुर्तीला हूँ, चुस्त हूँ, दुरुस्त हूँ और कछुए से पैर आगे निकल गया हूँ। क्या वही कहानी, जब आग खुली तो ऐसा लगा कि कछुआ रेंगता हुआ पहुंच गया अपनी मंजिल पर और खरगोश जो अपने घमंड और तकब्बुर में था वो पीछे रह गया था। क्या पुखरिया के लिए आज वो कहानी होगी, क्या पुखरिया ओवर कॉन्फिडेंस होकर कि ये मुकाबला तो हम जीत गए हैं और कछुए की तरह उम्मीद वाले सखुआ परसौनी इस समय पतली गली से जीत की किरण तो एक समय दिख रही है, क्या उसमें सिद्ध लगा पाएंगे, देखते हैं क्या कुछ होगा। खरगोश और कछुए की तरह ये मुकाबला इस समय चल रहा है, नए बल्लेबाज गए हैं आंद्रे रसल, क्या बजाएंगे, क्या दिखाएंगे अपने मसल का, देखते हैं कि कुछ झलक। बहुत बड़ा झटका लगा है मनीष लगातार फेल होते हुए, चौथा झटका। मुझे लगता है कि कप्तान सीमान चौहान को अब मजबूर कर देंगे मनीष अपनी जगह पर किसी और खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल करने का, पिछले लगातार 4 मुकाबले से वो अपने आप को निराशाजनक प्रदर्शन दिखाया है। फाइनल में क्या अपने कप्तान सीमान चौहान को भरोसा दिला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। होल्ड कर दिया है, लग रहा है इस मैच में कुछ बाकी है। वाह भाई वाह, ये मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है, पुखरिया अभी जीती नहीं है और सखुआ परसौनी ने अभी हार मानी नहीं है। भैया ये मुकाबला है, ये क्रिकेट है और दीपेंद्र बहुत ही खलबली आ रही है दर्शकों की तरफ से, आवाज शेयर कर दीजिए क्योंकि अब यह मुकाबला बहुत ही रोमांच हो गया है। क्या है कप्तान इस टीम के, स्कोर है 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 15 रनों की जरूरत है। जी हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, पसीने में शराबों सखुआ परसौनी पूरे दर्शक खड़े होकर मजा ले रहे हैं, शेयर कर दीजिए, आप शेयर करते रहिए, पसीने में वो बदलते रोमांच आ गया है इस मुकाबले में। 5
विकेट गिर चुका है, आधी टीम पवेलियन वापस। इतिहास के पन्नों में नाम लिखाना होगा, इसके लिए अपने आप को मिटाना होगा, खपाना होगा। कप्तान श्रीमानंद चौहान चले गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी थमाई है इस समय। दीपेंद्र क्या पांचवी सफलता ले पाएंगे, क्या अपना पंजा खोल पाएंगे, क्या वन मैन आर्मी की तरह चमकेंगे सूरज की तरह अपनी टीम के लिए, कप्तान के लिए अगले गेंद। हमने देखा है मैच पलटते हुए और बड़े बड़े मुकाबले इस तरीके से फिसलते हुए भी हमने देखा है। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। पोखरिया की टीम उनके सफर पर थोड़े से इस समय जरूर चिंतित होंगे कि अगर बैक टू बैक एक दो विकेट और गिरती है तो पार्टी खराब हो सकती है और इनके साथ पंजाबी ढोल तासा पार्टी, भांगड़ा ढोल पार्टी, इनका भी थोड़ा सा मजा फीका पड़ सकता है फाइनल में। और मैं चाहूंगा पंजाबी ढोल तासा पार्टी से कि आप फाइनल में प्रत्येक चौको छको विकेटों पर अपना वाह भाई वाह, अपील की जा रही है कीपर से, अंपायर से, क्या होगा लेकिन अंपायर की उंगली को हिला नहीं पा रहे हैं, रिव्यू मांग लिया है लेकिन रिव्यू का सिस्टम यहाँ पर शायद नहीं है। दर्शक चिल्ला रहे हैं कि आउट आउट, चल पड़े हैं अपनी अपनी जगह से। दर्शक चिल्ला रहे हैं, देखिए उल्लास का माहौल, इस समय नाटा प्रेश आ रही पैर द्वारा चलने के द्वारा। देखिए चारों तरफ दर्शक चिल्ला रहे हैं कि ये आउट है और अंपायर का निर्णय आ चुका है नॉट आउट का। दर्शकों में खलबली चारों तरफ, आउट का आउट चिल्ला रहे हैं। इधर के भी दर्शक देख सकते हैं, दर्शक अपनी जगह पर खामोश रहे, दर्शक ज्यादा उतावले ना हो, ग्राउंड में प्रवेश ना करें। आगे तरफ के दर्शक भी देख सकते हैं, ये ग्राउंड में घुस चुके हैं दर्शक। तो ये मुकाबला किस तरफ जाने वाला है, अंपायर का डिसीजन आया था कि नॉट आउट, लेकिन दर्शकों का डिसीजन अभी बाकी है कि आउट है। चारों तरफ घुस चुके हैं दर्शक, ये अच्छा दृश्य नहीं है, ये अच्छा दृश्य नहीं है बल्लेबाजी के लिए।